एक कहानी एक सोफी नाम की औरत के बारे में है जो यहाँ पर ये दोनों न्यूली इस घर में आकर शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होने के बाद ये लोगों यहाँ पर किस करने लगते हैं। लेकिन इतने में जेम्स को एक कॉल आता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसकी फादर की डेथ हो गई है। आके घर जाता है। यहाँ पर हम देखते है कि जेम्स का फादर का घर काफी ज्यादा बड़ा था क्योंकि वो बहुत अमीर थे। लेकिन सोफी इस घर को देखकर खुश नहीं होती है और वो जेम्स से कहती है कि मैं इतने बड़े घर में नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे तो एक छोटा सा घर पसंद है। लेकिन जेम्स उसे किसी भी तरह से मना लेता है और वो कहता है कि ये घर में मैं तुमको किसी भी कोने में इंटीमेट हो सकता हूँ, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। ये बात सुनकर सोफी भी यहाँ पर बैठना राजी हो जाती है। अगली सुबह जेम्स ऑफिस आता है और सोफी घर पर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे इस घर में काम करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि घर में बहुत मेड थे, जिस पर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और भी सर्वेंट को जॉब से निकाल देती है। रात में जब जेम्स घर वापस आता है तो घर में कोई सर्वेंट नजर नहीं आता, इसलिए वो सोफी से इस बारे में पूछता है। सोफी बताती है कि उसने सभी मेड को निकाल दिया है क्योंकि उन लोगों ने उसे काम करना नहीं देते। ये सुन के जेम्स बताता है कि तुम कोई बाहुबली नहीं हो कि तुम इतना बड़ा घर का सारे काम कर सके। ये सुन के सोफी उसे मनाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब जेम्स ऑफिस में था उसे सोफी कॉल करके बताती है कि उसकी घर की घास काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए जल्द से आके घास काटना। जब जेम्स ऑफिस से थकते हुए घर आता है तो सोफी उसे रात में ही घास काटने भेज देती है और जेम्स बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो ऑफिस से ही थका हुआ घर आया था। सोफी भी ये नोटिस करती है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। धीरे धीरे सोफी जेम्स को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है और जेम्स ये बात वो अपने फ्रेंड को बताता है तो उसका फ्रेंड उसे एक साइंटिस्ट का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम इसके पास जाना और तुम्हारी प्रॉब्लम चुटकी में ही सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जेम्स सोफी को लेकर उसे साइंटिस्ट के पास जाता है। यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि उस साइंटिस्ट का नाम जूलियर होता है और उसने कई सारे ऐसे रोबोट बना रखे है जो कि बिल्कुल इंसान जैसे ही है और ये रोबोट तो इंसान की तरह बात भी करते है और सारी काम भी इंसान की तरह ही करते है। सोफी ये सारी रोबोट देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और एक रोबोट लाने के लिए डिसाइड करती है। यहाँ पर साइंटिस्ट इन दोनों को एक रोबोट एग्जांपल के लिए दिखाता है लेकिन सोफी को एक मेल रोबोट पसंद आता है जिस रोबोट का नाम हेनरी होता है। फाइनली ये दोनों इसे खरीद कर घर में ले आते है। सोफी को ये रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह लगता है, ये सारे काम करता है जिसे की इंसान करता है। लेकिन जेम्स उसे बताता है कि ये तो बस रोबोट है, तुम बस बार बार सोच रही हो इंसान है, इसलिए तुम ये रोबोट इंसान जैसे लग रहा है। एक दिन सोफी नहा के बिना कपड़े बाहर आती है तो यहाँ पर रोबोट उसकी बॉडी के पार्ट को काफी घूर घूर के देखने लगता है। सोफी ये देख के थोड़ा डर जाती है और जल्दी से कपड़े पहन लेती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो एक इंसान है। इसके बाद वो जेम्स को कॉल करके ये सारी बात बताती है और जेम्स फिर से उसे समझाता है कि वो तो बस एक रोबोट है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जब जेम्स घर आता है तो फिर से सोफी उसके पीछे पड़ने लगती है। हेनरी एक इंसान है पर जेम्स ये सारी बातें इग्नोर कर देता है। अगले दिन जेम्स हेनरी के साथ टेनिस खेलना जाता है। यहाँ पर ये दोनों बात भी करते हैं और जेम्स को हेनरी काफी पसंद आता है। धीरे धीरे टाइम भी बीत जाता है, अब सोफी भी हेनरी के साथ कम्फर्टेबल फील करने लगती है और वो हर समय सबसे हेनरी के ही बात करती है और हेनरी से ज्यादा टाइम स्पेंड भी करती है। ये देखकर जेम्स जेलियस फील करता है कि ये हेनरी को ज्यादा पसंद करने लगी है। एक दिन रातों में सोफी कुछ टूटने की आवाज सुनती है और जब बाहर आकर देखती है तो उसके मेन डोर टूटा हुआ था और गार्डन के सामने हेनरी पूरा नंगे होके लेटा हुआ था और हेनरी को नंगा देख के सोफी उसके पास आती है। यहाँ पर हेनरी बताता है कि मैं एक सपना देख रहा था। लेकिन सोफी को अजीब लगता है कि एक रोबोट कैसे सपना देख सकता है। अगले दिन वो साइंटिस्ट उनके घर आ जाता है। सोफी उसे बताती है कि आपके रोबोट तो बिल्कुल इंसान जैसा ही हरकत करता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये एक छोटा सा एरर था जो हर कंप्यूटर रोबोट में आना नॉर्मल है, अब ऐसा नहीं होगा। उसी रात जेम्स लाइट ऑफ करके सोफी का इंतजार कर रहा था लेकिन सोफी उसे बताती है कि आज मेरा ऐसा करने का मूड नहीं है और जेम्स अपना सारा मूड खराब कर देता है। एक दिन सोफी हेनरी से मसाज कर रही होती है, अचानक से ये दोनों फिंगरिंग करना शुरू कर देते हैं और फाइनली ये दोनों इंटीमेट हो
जाते हैं। ये देख के सोफी काफी शॉक होती है और उसका आंख खुल जाता है, यानी कि ये एक ख्वाब था। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और सोफी बाहर आकर देखती है तो यहाँ पर हेनरी होता है, जो कि उसे देखकर वापस आने लगता है। सोफी उसे पूछते है कि क्या तुमने मुझे बिना कपड़े के देखा है, जिस पर हेनरी बताता है कि आप ही बताओ, हाँ बोलो या ना, जो आप चाहती है मैं वही बोलूंगा, क्योंकि वो तो एक रोबोट था और इंसान जो बोलेगा वो भी वही बोलेगा। और सोफी समझ जाती है कि इसे उसने का कोई फायदा नहीं है और वो रोबोट को जाने देती है। इधर जेम्स हेनरी की वजह से काफी परेशान है, क्योंकि ये रोबोट आने की वजह से उसकी वाइफ ना तो उसे टाइम देती है, ना तो उसकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर देती है। अब वो सीधा साइंटिस्ट के पास जाकर ये सारी बातें बता देता है। साइंटिस्ट उसे कहता है कि आप फिकर मत करिए, बस थोड़ा सा टाइम उसे दीजिए, देखना खुद ही वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जेम्स घर आकर हेनरी को वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो और सारे काम उससे दूर होकर करना। और ये बात सोफी भी सुन लेती है और काफी गुस्सा होती है, और इस वजह से जेम्स और सोफी लड़ाई करने लगते है। एक दिन जेम्स बिना कपड़े के बाथरूम जाता है और इतने में ही वहां पर हेनरी भी आ जाता है, जो भी पूरी तरह से नंगा था। हेनरी उसे माफी मांगता है और वो कहता है कि अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जेम्स भी उसे माफ कर देता है, पर दो दिनों से जेम्स का इंटीमेट होने का बहुत शौक था, इसलिए वो हेनरी को जगा के उसके साथ बहुत गलत कर देता है और इसकी वजह से हेनरी को काफी बुरा लगता है। लेकिन ये बात वो सोफी को नहीं बताता। यहाँ पर सोफी हेनरी से मसाज करा रही होती है और हेनरी उसे मसाज करते करते गाल पर किस कर देता है, जिस पर सोफी सैड होकर उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। हेनरी बताता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये सुन के सोफी डर जाती है और खुद से हेनरी को दूर कर देती है। जब जेम्स शाम को घर आता है तो सोफी उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जेम्स उसकी बात इग्नोर कर देता है, इसलिए सोफी बार बार उसे बोलती है। इसके बाद जेम्स सीधा हेनरी के रूम में जाता है और हेनरी को एक मुक्का मारता है, लेकिन इसे तो जेम्स को ही लग जाता है, जिस पर जेम्स बहुत गुस्सा होकर उसके चार्जर को तोड़ देता है। अगले दिन हेनरी सोफी के साथ माफी मांगते हुए बताता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब साइंटिस्ट हेनरी को, तुम हेनरी के साथ क्यों इंटीमेट हो गया? यहाँ पर जेम्स बहुत गिल्ट होता है और बताता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, तुम मुझे भाव भी नहीं देती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन ये दोनों एक अरका से माफी मांगते हैं। जब ये दोनों घर जा रहे होते है, ये देखते है कि उस साइंटिस्ट के घर में पुलिस आई हुई है। इन दोनों को पता चल जाता है कि वो तो कोई साइंटिस्ट नहीं था और कोई रोबोट नहीं बनाया था, बल्कि इसके रोबोट तो सच में इंसान थे, मतलब हेनरी भी एक इंसान था। और मूवी के लास्ट सीन में हेनरी उस साइंटिस्ट को मार देता है और सोफी और जिम से माफी मांगते हुए खुद को भी शूट कर देता है। और